इस आप को हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले यह भी इंपॉर्टेंट है सर इंपॉर्टेंट दैट इज बोनस बोनस शेयर शेयर का मतलब सर अभी रिवीजन क्लास में हमने करा भी था फ्री का शेयर कौन सा शेयर सर फ्री का शेयर आपको इसको दो वे में बोनस हो जाता है पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए और नॉर्मल कौन सा सेक्शन अलाउड करता है सर सेक्शन 63 अभी हमने 52 कर लिया 53 प्रोविजन और 54 के अंदर हमारा था इस की बात वो हम आगे कवर करेंगे ठीक है सोर्स आप बोनस करोगे तो सोर्स क्या होगा आपने करा है सर फ्री रिजर्व होगा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा पेड रिडम्शन सी आर जो सी एक सी जो है ना हमारा सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर के लिए यूज हो सकता है और कहीं भी यूज नहीं हो सकता आपका प्रोवाइडेड नो इश्यू बोनस शेयर सेल बी मेड बाय दैपिटलाइज रिजर्व क्रिएटेड बाय द एसेट। अगर कोई आपका फ्री रिजर्व के अलावा रिवेल्यूएशन रिजर्व है या कोई ऐसा स्टेचुरी रिजर्व है जिसको आपने स्पेसिफिक परपज के लिए बनाया उसके लिए यूज नहीं होगा तो सबसे पहले सोर्स देख लिया हमने बोनस के लिए अब कंडीशन क्या है मेन ये पॉइंट है कंडीशन सोर्स तो देख लिया अब कंडीशन क्या है सर अ कंपनी में कैपिटेलाइज द प्रोफिट रिजर्व परपज इशू द फुल्ली पेड बोनस और इसके पीछे ना लॉजिक है बोनस देना ही पड़ता है सीआरआर बनाना पड़ता है जब आप वाला वाला या बोनस अकाउंट्स वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से करवाया हुआ है कि कब किया जाता है ठीक है सबसे पहले ऑथराइज आर्टिकल यानी एओ एओ तो हर जगह कूद जाएगा उसके बाद आपका रिकमेंडेशन बोर्ड बोर्ड ऑथराइज करना चाहिए जनरल मीटिंग के अंदर कि हम बोनस देंगे तब होगा इट नॉट डिफॉल्ट एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भैया बाय बैक कर रहे हो और आप इंटरेस्ट या प्रिंसिपल फिक्स डिपॉजिट वगैरह पे या फिर डेट सिक्योरिटी पे डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बोनस का मतलब है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है और अच्छे से काम करने के बाद कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई है अभी तक तो उसे बोला जाएगा आप अच्छे काम कर रहे हो डिफॉल्ट भी नहीं आपकी कंपनी बहुत हेल्दी है आप बोनस दे रहे हो लेकिन अगर आप इंटरेस्ट देने में डिफॉल्ट होगी तो कैसा बोनस पहले आप अपने इंटरनल चीजों को तो देखो इट्स नॉट डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट स्टेचुरी ड्यूज स्टेचुरी ड्यूज जहां भी आ जाता है उसका मतलब होता है टैक्सेस हर प्रकार के टैक्स हो सकते हैं जीएसटी हो सकता है एम्प्लॉय टैक्स हो सकता है एक्साइज कस्टम हो सकता है हर प्रकार के टैक्स में आपका नहीं होना चाहिए यानी गवर्नमेंट का पैसा नहीं मारना है ठीक है और एम्प्लॉय का भी पैसा नहीं ग्रेजुटी बोनस आपने हमेशा दिया है ये बोनस पता है कौन सा है ये एम्प्लॉय को जो दिवाली के टाइम पे देते हैं बोनस वो है द पार्टली पेड अप शेयर इट द आउटस्टैंडिंग द डेट अलॉटमेंट मेड फुल्ली पेड अप आपका पार्टली पेड अप है उसको बोनस नहीं देंगे पहले इसको फुल्ली पेड अप बना लेंगे द कंप्लीट सच कंडीशन मे बी प्रिस्क्राइब इट मे बी नोटेड दैट द बोनस दोनस नॉट इशू टू द लियन ऑफ डिविडेंट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके ना डिविडेंट बन रहे हैं सौ रुपए तो हम आपको डिविडेंट नहीं देंगे आपको बोनस देंगे तो लॉ ने मना करा हुआ है कि भाई आप डिविडेंट के पॉइंट में नहीं कर सकते कंपनी ऐसा फ्रॉड कर सकती थी लेकिन लॉ ने बचा रखा है तो ये क्या था सर हमारा बोनस अब हमें डिफरेंस देखना है सर राइट इशू और बोनस के बीच में डिफरेंस देखना है सर किसके बीच में राइट right इश्यू और बोनस इससे पहले मैं थोड़ा सा राइट right इशू के बारे में चर्चा नहीं किया इंपॉर्टेंट है ये लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूं राइट right इशू क्या होता है मान लेते हैं एक है एक्स वाई जेड लिमिटेड कौन है साहब एक्सवाई जेड लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड जो कंपनी है इस कंपनी ने शेयर इशू किए किसको शेयर इशू किए शेयर होल्डर को शेयर इशू किए ठीक है शेयर होल्डर को इसने शेयर इशू किए चलिए साहब शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दिए तो कब इशू किए सर जिंदगी में पहली बार इशू किए पहली बार शेयर इशू किए हैं तो इस प्रकार के शेयर को हम बोलते हैं आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लेकिन कंपनी का ऑथराइज कैपिटल था ऑथराइज कैपिटल था मान लेते हैं पांच लाख लाख में से कंपनी ने तीन लाख शेयर इशू कर रखे हैं तो कंपनी है और शेयर इशू कर दे कंपनी के पास राइट है कि लाख का और शेयर इशू कर दे कंपनी के लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी तीन लाख के शेयर इशू करे हुए हैं सर तीन लाख का शेयर किसको इशू किया हुआ तीन लाख का शेयर इनके बीच में बट चुका है नाउ कंपनी व के दो लाख रुपए के और शेयर हमें इशू करना है तो ठीक है सर अब नए सबसे पहले हम नए के पास जाने से पहले हमें पुराने लोगों से पूछना होगा कि भैया हमें दो लाख रुपए की और जरूरत है अगर दो लाख रुपए की हमें और जरूरत है क्या हम इस शेयर को इशू कर दे मार्केट में या फिर आपके पास अधिकार है आप खरीद लीजिए तो जो पुराने शेयर होल्डर हैं इनके पास राइट आ जाता है नए वाले शेयर्स को लेके इसको बोला जाता है राइट इशू इसको क्या बोला जाएगा सर राइट इशू राइट इशू में पुराने शेयर होल्डर के पास सबसे पहले राइट आता है कि पुराने शेयर होल्डर कब इस शेयर को इशू कर सकते हैं जैसे ही पुराने शेयर होल्डर डिनाई कर देंगे कि भैया हमें नहीं लेना शेयर ये पहले ही हम आपके शेयर लेके पछता रहे हैं अब हमें शेयर नहीं लेना इसको क्या बोला जाएगा सर इसको बोला जाएगा आपका एफ पीओ फर्दर पब्लिक ऑफर फर्दर पब्लिक ऑफर इसको क्या बोला जाएगा एफ बोला जाएगा तो चलिए फटाफट से एक बार डिफरेंस कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है हमारा राइट right इशू में और शेयर्स में तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया आपको बोनस शेयर तो पता ही दिया ऑफर ऑफ न्यू शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी पहला मीनिंग आपका कन्वर्जन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन टू रिजर्व कहने का मतलब है आप नए शेयर होल्ड जो ऑफर करोगे फ्रेश इशू वो करोगे आप किसको सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप पूछोगे कि आपको शेयर लेने हैं जबरदस्ती नहीं दे सकते और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपको पैसे देंगे लेकिन हाँ मार्केट के कंपेरेटिवली सस्ता होगा और बोनस शेयर आपके पास इतना सारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व हो गया उस रिजर्व को क्या करो तो आप मालिक के बीच में क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आगे बात करते हैं सर इशू की बात करते हैं राइट शेयर आर ऑफर एंड इशू टू द प्राइस डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी यहां पे प्राइस होगा लेकिन सर यहां पे एब्सोल्युटली क्या होगा फ्री होगा ये तो पह पहला डिफरेंस क्या है आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीसरा प्राइज होगा और इसके अंदर क्या था हमारा फ्री होगा पेड अप राइट शेयर मे बी पार्टली और फुल्ली राइट right शेयर जो इश्यू होगा हो सकता है कि दस रुपए का शेयर है आपसे आठ रुपए लिया जाए दो रुपए बाद में ले लेंगे लेकिन बोनस शेयर ऑलवेज क्या होगा फुल्ली अप डिफरेंस है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन याद रखना है आपने ठीक है पर्पस अब पर्पस की बात करते हैं पर्पस ऑफ़ रेज फंड मैंने कहा था आपको कि कंपनी को और दो लाख रुपए की जरूरत है इसलिए वो राइट इश्यू लेके आ रहा है और यहां पे कोई भी आपका रेज फंड नहीं करना डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द रिजर्व है एप्लीकेबिलिटी पर्पस राइट ऑफ देयर इज रेज फंड ऑफ द कंपनी परपज क्या है हमारा राइट और देर इज नो सच कंपल्सन आ कंपनी में इशू बोनस शेयर कंपनी के पास ऐसा कोई भी कंपलसन नहीं है एक बार ये एप्लीकेबिलिटी का ना पॉइंट मैं कट कर रहा हूं यहां पे ये गलत लिखा हुआ है आप इस एक दो तीन चार पॉइंट के ऊपर फोकस करिए ये एप्लीकेबिलिटी वाले पॉइंट यहां पे गलत लिखा हुआ है ठीक है इसको कंसिडर मत करिएगा आप तो चार पॉइंट पहला पॉइंट क्या है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाएगा और और कहां से करा जाएगा पैसे लेके किया जाएगा इसके बाद बोनस शेयर में सर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें रिजर्व और वो फ्री का होगा आपका राइट इशू इट मे बी पार्टली शेयर और ये को क्या होगा हमेशा फुल्ली पेड़ अप शेयर्स होगा यहां पे क्या है पर्पज सर पर्पस है इसको हमारे फंड कंपनी का रेज करना यहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व को रेज करना ठीक है